हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हेमा, हेमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी यम्मी सी सब्जी शेयर करने वाली हूँ, जो बनाते तो सभी लोग हैं बट सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। आज मैं बनाऊंगी स्टफ बैगन, वो भी बिना प्याज बिना लहसुन के और लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आयरन बहुत होता है और काफी अच्छा रहता है, इसलिए मैं आज उसमें बनाना सिखाऊंगी। और बहुत ही इजी मेथड है और सिर्फ 3 मिनट में आप भरमा बैगन बना लेंगे। तो चलते हैं हेमा की रसोई में। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। स्टफ बैगन बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम बैगन लिए, थोड़े से छोटे छोटे बैगन लिए हैं मैंने, 7-8 बैगन है ये। उसके बाद मैंने लिए, देखिए, टमाटर की प्यूरी बना के रखी है, 4 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है। और लहसुन है, जीरा है, गरम मसाला है, सौंफ है भुनी हुई, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक, और थोड़ा सा अमचूर लेंगे हम। और आज हम इसको बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बहुत आयरन होता है और बैगन में हमको आयरन की जरूरत होती है, और बैगन में बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए बैगन हमको जरूर खाना चाहिए। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी प्यूरी बनाती हूँ। ये मेरी प्यूरी जो है टमाटर की, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ और इसमें हम अपने सारे मसाले मिक्स कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी हल्दी, धनिया थोड़ा ज्यादा सा, थोड़ी सी मिर्ची और गरम मसाला, और इसमें मैं डालूंगी नमक। ये मैंने नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, ये देखिए, है ना। तो ये मेरी प्योरी बन गई है, ये देखिए, ये मैंने इसको बना लिया। देखिए, इसमें प्याज और लहसुन दोनों बिल्कुल भी नहीं है, और बिना प्याज और लहसुन के आप देखिए स्टफ बैगन कितने अच्छे बनने वाले हैं मेरे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने बैगनों को काट लेंगे। इनको हमको कैसे काटना है ये मैं आपको बता देती हूँ। इनको हमको ऐसे काटना है, ये देखिए, ऐसे हमने 2 पीस किए, उसके बाद हमने फिर ऐसे, ये 4 पीस हो गए हमारे, है ना, क्योंकि हमको देखना भी पड़ेगा कि अंदर कीड़े हैं या नहीं है। तो हमने इसको ऐसे अच्छे से काट लिया, देखिए, है ना। इसको हम चेक भी कर लेंगे कि इसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि कई बार बैगनों में कुछ होता है तो हमको ध्यान से उसको देखना भी पड़ेगा। ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैं ऐसे पे पूरे बैगन काट लूँगी अपने, और अब मैं गैस भी ऑन कर देती हूँ, जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक मैं अपने बैगन की स्टफिंग कर लूँगी। ये देखिए, ठीक है ना। अब मैं अपना गैस ऑन करती हूँ। ये देखिए, लोहे की कढ़ाई की बैगन आप खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी होते हैं। और इसको हम बनाएंगे आज सरसों के तेल में। सरसों के तेल में बैगन बनाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है, क्योंकि सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है और बहुत कम ऑयल लगता है और बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए, मैंने इसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है, ज़्यादा सरसों का तेल मुझे डालना भी नहीं है। ये देखिए, 3 चम्मच ऑयल में हमारे बैगन बहुत अच्छे बनने वाले हैं। और थोड़ी सी मैं डालूंगी 1/2 चम्मच शुगर, इसी प्यूरी में मैं 1/2 चम्मच शुगर डाल दूंगी। देखिए, शुगर बहुत अच्छी लगती है और इससे हमारे बैगन जो है वो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। ये देखिए, ऐसे मैंने इसको बना लिया है। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारी प्यूरी बन चुकी है, है ना। अब मैं इसमें सारा भर दूंगी। ये देखिए, इस तरह हम अपने सारे बैगन भर लेंगे, और देखिए कितने अच्छे भी भरते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। और देखिए, ना तो इसमें प्याज है ना तो इसमें लहसुन है, और कितने अच्छे से स्टफिंग हमारी हो रही है, और मसाला भी बहुत अच्छे से भर गया इसमें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। ये देखिए, मैंने सबसे पहले इसमें हींग डाली है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक। मैंने अदरक पीस के रखा हुआ था, अब मैंने इसमें अदरक डाल दी है। देखिए, अदरक को मैथी से भून लेंगे, और मैंने सौंफ और मैथी इसको भून के रखा हुआ था थोड़ा सा, और थोड़ा दरदरा पीस के, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और हम अपने एक एक करके बैगन इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसको बार बार चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये हमने अपने सारे बैगन हम ऐसे डाल देंगे। और उसके बाद में हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे सिम पे रख देंगे, और इसमें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा हम ऊपर से नमक डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा बस। उसके बाद हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारी ये जो प्यूरी जो बची हुई है ये भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए, ऊपर से हम इसमें डाल देंगे, तो ये क्या है, इसकी तरी जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी, एकदम यमी, और जितना मसाला है वो उसमें अच्छे से भर जाएगा। ये देखिए, बस अब हम इसको सिम पर ढक देंगे करीब 20 मिनट के लिए। देखिए, मुझे लगता है मेरे 20 मिनट हो चुके हैं। वाओ, ये देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। ये देखिए, इसको दबा के हम देखेंगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गए हैं। ये देखिए, इसको मैं दबा के दिखाऊंगी आप। ये देखिए, एकदम से बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं ये, और देखिए कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनी है। और सरसों के तेल का तो देखिए आप, एकदम खुशबू ही कितनी अच्छी आ रही है। और जब हमने मेथी और सौंफ डाली है ना,
पीस कर थोड़ी सी दलदली करके उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और देखिए आप देख रहे हैं बिना प्याज और लहसुन की सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनी है, ये एकदम परफेक्ट। हमारे बैगन गल चुके हैं क्योंकि हमने इसको चलाया नहीं है बार बार, उसको बार बार चलाना नहीं रहता है, बस एक बार चला दिया हो गया। कितना ईजी और कितना अच्छा, आप 20 मिनट में कुछ भी काम कर सकते हो। ये डाला है मैंने इसमें लास्ट में अमचूर पाउडर। एक्चुअली में अमचूर पाउडर अगर हम पहले डाल देते तो हमारी सब्जी को थोड़ा सा टाइम लगता पकने में, इसलिए हमने अमचूर पाउडर थोड़ा सा रुक के डाला। ये देखिए है ना, अब हम गैस को कर देंगे बंद और मैं इसकी करूँगी प्लेटिंग। ये देखिए मैं इसको ऐसे रखूँगी, देखिए आप खुद देख रहे हैं पूरे बैगन हमारे साफ हैं और एकदम बिल्कुल साबुत बैगन। देखिए एक भी हमारा बैगन टूटा नहीं है, देखिए आप बिल्कुल है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये देखिए बिल्कुल ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि हमने घर में फटाफट ये 20 मिनट में हमारे बैगन बना लिए हैं और कितने अच्छे और कितने यमी दिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितने यमी दिख रहे हैं, ये देखिए एक एक बैगन हमारा इतना बढ़िया दिख रहा है, इतना बढ़िया बने हैं बैगन और कोई भी फटा भी नहीं है और कोई भी कितना अच्छे से बने हैं। देखिए आप कितनी अच्छे लग रहे हैं, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो सोचिए आप खाने का स्वाद तो इसका और बढ़ जाएगा। ये देखिए हमें सारी ग्रेवी इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारे स्टफ बैगन कितने अच्छे रेडी हो गए हैं, देखिए आप देख रहे हैं कितने अच्छे और कितने टेस्टी हैं। तो आप इनको लोहे की कढ़ाई में और सरसों के तेल में बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट रेसिपी के साथ कल फिर मिलते हैं।